हमारे समक्ष प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति वायु, जल, वृक्षों के फल, पुष्प, इन सबको केवल अपने लिए ही संचित करने लगे तो समस्त संसार का क्या होगा? किंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है वो सबको समान रूप से प्रदान करती। उसी प्रकार धन भी, धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनिवार्य है। किंतु धन में स्थायित्व कहां? स्थायित्व है तो कर्मों में, जिन कर्मों को हम धन के माध्यम से कर सकते हैं। इस संसार में जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से अतिरिक्त धन प्राप्त है उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। संसार से असमानता को मिटाकर समानता को स्थापित करने का दायित्व। अपने लोभ को भूलकर उनकी सहायता करना, इनके पास जीवन में ऊपर उठने के लिए साधन नहीं, अवसर नहीं। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना होता है। एक नन्ना बालक भी कर्मों का फल दे सकता है। अपने बल और अहंकार के मद में चूर होकर वाली और वृक्षासुर ने अबोध मारुति के प्राण हरने का प्रयास किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? एक को मृत्यु मिली और दूसरे को मोह की खानी पड़ी। सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे उसके किए गए कर्मों का फल ना भुगतना पड़े। इतना अहंकार? प्रिय, ज्ञान विनम्रता में वृद्धि करता है। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती, किंतु जिस दिन ये प्रतीत हो कि अब और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी हो गया है, उसी दिन उसी क्षण से ज्ञान अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। उसका सीखा हुआ ज्ञान अभिमान को जन्म देता है, और यदि ज्ञान के साथ असीम शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो अहंकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है।